कभी तो जवाब दीजिए आप कि भाई आप ये क्यों हो रहा है 370। आपने कहा था कि अगस्त 5 के बाद सब खत्म, कुछ नहीं होगा, मगर आज भी वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, आज भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, नौजवान लड़कों की भर्ती हो रही है, तो फिर क्या हो रहा है वादी में। लेकिन बीते दिन तो उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ी, और आपने भी तस्वीरें देखी होंगी जिस तरह से सुरक्षा एजेंसी सतर्क है, एक गाड़ी में वहां पर धमाके से लगभग 40 किलो आईईडी था, उसको उड़ाया गया, तो सतर्कता बरती जा रही है। ठीक है, मगर पुलवामा का राज तब तक नहीं खुला ना। पुलवामा का वो जो सुसाइड बॉम्बर था उसके आज भी डीएनए के सैंपल गवर्नमेंट के पास है। अब तक आपने कितनों का अरेस्ट किया पुलवामा बता दीजिए, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। अरे बताइए ना देश को, आपने तो पुलवामा के नाम पर इलेक्शन जीत गए, मगर देश को तो बताना पड़ेगा ना कि पुलवामा में कितना प्रोग्रेस हुआ, एनआईए ने कितना क्या किया, आप नहीं बता पाते। एक पुलिस ऑफिसर एसीपी रैंक का पकड़ा जाता है टेररिस्ट को लेकर जाते हुए, उसका क्या प्रोग्रेस है बताइए आप, उसके बारे में कुछ नहीं बताते, खामोशी है, सन्नाटा है बीजेपी गवर्नमेंट के पास। वैसे साहब, चूंकि चीन पर आप बार बार आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ही, और आपने कहा कि जब भी डिप्लोमेसी का मामला आएगा तो मैं अपनी देश के सरकार रहूंगा, तब मैं राजनीतिक जो भी खिलाफत है उसको दरकिनार करूंगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए इसे गलत करार दिया है, क्या आप इस पर निंदा करना चाहेंगे उनकी? अगर हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लोगों ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया तो मुझे इजाजत दे दीजिए आप, क्योंकि वो जो कमेंट करेंगे किसी दूसरे मुल्क के बारे में तो मैं बराबर उनके साथ हूँ। मैंने ये, मेरा मौकफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, ये हमारे देश का आखिरी कोर्ट है। अब पाकिस्तान अगर इसमें मुदाखलत कर रहा है तो फौरन मोदी सरकार को अपने स्पोक्स पर्सन को कहना चाहिए कि भाई साहब जरा टीवी पर आइए, अंजन ओम कश्यप के प्रोग्राम पे बैठिए 6 बजे और फौरन इसके कंडेम करिए। और ये अगर एमपी को बोलना पड़ा है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम, मानता हूं कि ये लोग फॉरन अफेयर्स भी नहीं चला पा रहे हैं कि एक देश की सबसे मशहूर एंकर को एक नादान किस्म के हेट स्पीच बोलने वाले एमपी से पूछना पड़ रहा है कि आप कम से चलिए मैं कंडेम करता हूं पाकिस्तान के इस बयान को। लेकिन आप एक नादान एमपी हैं ऐसा हम कतई नहीं मानते, आप अपनी बात बहुत जोरदार और धारदार तरीके से रखते हैं, इसीलिए आपको हमेशा आमंत्रित करते हैं, क्योंकि विपक्ष की आवाज भी बुलंद होनी चाहिए एक ऐसे दिन जब सरकार 6 साल पूरी कर रही है और दूसरे कार्यकाल में पहला वर्ष। अब मैं आती हूं सर, पूरे कोरोना की जो लड़ाई है उसमें हम जिस तरह से राज्यों को देख रहे हैं, महाराष्ट्र में आंकड़े सबसे ज्यादा हैं, दिल्ली में भी हैं, गुजरात में बहुत ज्यादा हैं, और इन सब के बीच पलायन का ये मुद्दा जो लगातार उठ रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि राज्य भी अपनी भूमिका में कहीं 2 कदम पीछे हटते हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि श्रमिक स्पेशल नहीं, आपने कोरोना स्पेशल बना दिया है, आप ठूस ठूस कर लोगों को भेज रहे हैं, मतलब हर राज्य लगभग किसी एक को पिकआउट करना शायद नाइंसाफी होगी, उनको कोरोना कैरियर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका क्या इलाज है? मैडम मैं आपके सवाल से बिल्कुल मुतफिक हूँ, मैं तो इन नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि आपने इस लॉकडाउन को कबूल क्यों किया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैडम अगर आप स्टेट लिस्ट देखेंगे, स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक हेल्थ तो स्टेट का है, आज क्यों ममता बनर्जी चीखें मार रही है? आप पहले 25 कह देना चाहिए था कि लॉकडाउन होगा तो हमारे स्टेट के रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है, आपने जब नहीं कहा। अब रहा सवाल स्टेट की शिकायत का, मैडम मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार इस प्रोग्राम में आकर कह दे कि आपने स्टेट को कितना पैसा दिया। तेलंगाना की सरकार 6 करोड़ रुपए अपना जेब से देती है माइग्रेंट लेबरर्स को भिजाने के लिए, हमारा चीफ मिनिस्टर पुकार पुकार कर इस बात का डिमांड कर रहा है कि स्टेट का जो लोन है उसको डिफर करिए, आप नहीं करते। आरबीएम एक्ट को 3 से 5% करते हैं, कंडीशन लगाते हैं, और चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 20 मांग रहे हैं, वेज एंड मींस एडवांस 100% करिए, आप नहीं करना चाहते। आखिर आपने स्टेट को क्या मदद की है अब तक बता दीजिए आप, सिवाय इसके कि आपने एनडीएमए का सेक्शन 6 को इस्तेमाल करके आप दिल्ली से बादशाह सलामत एक फतवा जारी करते हैं स्टेट खत्म कर दो। अरे भाई गुजरात में क्या हो रहा है बताइए ना, गुजरात में नाफिस किस्म के डुप्लीकेट किस्म के वेंटिलेटर्स लगाए गए और वो सप्लायर कौन था, उसने 25 लाख का सूट प्रधानमंत्री को दिया था, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। आप देश को क्या मदद कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं।